आप लोग सबको मालूम है कि झारखंड का मंत्रिसभा में आज भी श्री शम्फाई सोरेन जी मंत्री है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है, 30 तारीख ज्वाइन होगा। जब तक वो रिजाइन नहीं देते हैं तब तक वो एक माननीय मंत्री भी है और साथ में सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है। तो पहले शम्फाई सोरेन जी दिल्ली गए थे आज से एक सप्ताह पहले और उन्होंने दिल्ली में 3 दिन बिताया था। फिर दोबारा 26 तारीख को कलकत्ता होते हुए वो दिल्ली गए थे। तो दोनों बार जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे। दोनों बार उनका साथ जो अपना सरकारी पीए भी है, पीएस भी है, अधिकारिक रूप में ही वो ताज होटल में रुके थे। लेकिन काल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे, स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंत जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को शम्फाई सोरेन जी का जो साथी थे दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया साथ में शम्फाई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये दो व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए और हमारा संडे हो रहा है, ये क्या है। फिर ये दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया ताज होटल से। फिर पता चला ये दोनों झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर है। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। दोनों पुलिस ने ये बताया कि हमने बहुत दिन से शम्फाई सोरेन जी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला था। बोले वो जब भी दिल्ली आते हैं तब भी हम लोग आते हूं और जहां में भी वो झारखंड में भी जाते हैं हम लोग फॉलो करता हूं। फिर ये पूछा गया कि आपको ये जिम्मेदारी किसने लगाया, ये नाम बताया जो कि आईजी प्रभात कुमार जो वहां का स्पेशल ब्रांच का एडीजीपी है उन्होंने ये दोनों लोगों को जिम्मेदारी लगाया था। ये दोनों व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, दोनों का फोटोग्राफ भी है मेरा पास, दोनों नाम भी है, लेकिन शायद वो लोग बाकी काम भी करता है तो उनका जो कवर है उनको एक्सपोज कर देना मेरे लिए सही नहीं है बिकॉज दे माइट बी इन्वॉल्व इन अदर नक्सल ऑपरेशन और मेनी अदर ऑपरेशन दे दिस ऑफिसर मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व। सो इसीलिए उनका कवर तोड़ना मेरे लिए उचित नहीं है, तो इसीलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका सहरा मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन नाम भी मेरा पास है, दोनों सहरा भी मेरा पास है। इसलिए होटल से ही लोगों ने लोगों को पकड़ा था। तो ये स्वाधीन भारत में ये कभी नहीं हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कोलीग, एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कोलीग का ऊपर, जैसे आज अगर मैं मेरा ही कैबिनेट मंत्री जी का ऊपर मैं एसबी लगा देता हूं,
या मोदी जी अपना ही कैबिनेट मिनिस्टर का पीछे लगा देते हैं ऑफिसर्स की कहां जाते हैं कैसा जाते हैं ट्रैक करो एक साथ ट्रेवल करो होटल का साथ में ही रहो जो भी मिलने आते हैं उनका फोटो खींचो उनका फोटो भेजो तो ये एक बहुत बड़ा इशू है प्राइवेसी को पूरा खत्म कर देना और ये आज भी दिल्ली पुलिस का कस्टडी में ही दोनों ऑफिसर है आगे जाके दिल्ली पुलिस क्या करेगा नहीं करेगा वो दिल्ली पुलिस ही जानते हैं लेकिन जो हुए हैं ये सनकपुरी का डीसीपी को हम लोगों ने कंप्लेन दिए थे सनकपुरी थाना में है ये दोनों व्यक्ति तो ये स्वाधीन भारत में ऐसा कभी नहीं हुए कि एक आपका कलीग है कलीग का साथ आपने अपना स्पेशल ब्रांच को ड्यूटी लगाया मेरा अभी संदेह है कि शायद उनका फोन भी टैप हुआ होगा जब दो अधिकारी को आप डिप्लॉय किया है फाइव स्टार होटल में एक साथ रुकने के लिए आपने फंडिंग किए है फ्लाइट में एक साथ आने के लिए फंडिंग किए है तब ये कितना बड़ा मामला हो